हाय गाइस, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ एक ब्राइडल मेकअप किट। और मैं आपको बताऊँगी कि कौन कौन से प्रोडक्ट आपकी ब्राइडल मेकअप किट में होने चाहिए। जो प्रोडक्ट्स मैंने दिखाए हैं वो भी आप ले सकते हैं, या फिर दूसरे ब्रांड्स के भी आप ले सकते हैं जो आपको ब्रांड्स पसंद हों। सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिया है एक मॉइस्चराइज़र, ये है ब्रांड क्लिनिक का। आप अपने पसंद का कोई भी मॉइस्चराइज़र ले सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो। और ये बहुत ज़रूरी स्टेप है कि आप अपने स्किन को मॉइस्चराइज़ करें बिफोर स्टार्टिंग ऑफ योर मेकअप, एंड अदरवाइज़ ऑल्सो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होता है आपकी स्किन केयर रूटीन का। सो एक मॉइस्चराइज़र जो आपकी स्किन को सूट करता है, स्किन टाइप को सूट करता है, वो आप ज़रूर रखिए। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे लिया है मैक स्टूडियो का फाउंडेशन। मैं रिकमेंड करूँगी कि आप वही फाउंडेशन अपने ब्राइडल किट में रखें जो आप बहुत टाइम से यूज़ करते आ रहे हैं, क्योंकि ये टाइम नहीं है कि आप अपने फाउंडेशन के साथ एक्सपेरिमेंट करें। जो आप यूज़ करते आ रहे हैं वही फाउंडेशन, कोई भी ब्रांड का हो सकता है, जो आपको सूट करता है, आपकी स्किन टाइप को सूट करता है, आपकी स्किन टोन को सूट करता है, वो फाउंडेशन आपके किट में होना चाहिए। और अगर आप फाउंडेशन लगाना पसंद नहीं करते हैं तो आप एक बीबी क्रीम या सीसी क्रीम, जो भी आपके पसंद की हो, वो आप अपनी किट में रख सकते हैं। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे रखा है मेबलिन की कंसीलर स्टिक। ये बहुत ही अफोर्डेबल और बहुत ही अच्छी परफॉर्मिंग कंसीलर स्टिक है, सो आप इसे ट्राई कर सकते हैं, या आपके फेवरेट जो आपने ऑलरेडी यूज़ कर रखी है वो यूज़ कर सकते हैं। साथ में मैंने लूज़ पाउडर रखा है, वो भी मेबलिन का है। ये भी काफ़ी अच्छा परफॉर्मिंग लूज़ पाउडर है। और अगर अफोर्डेबल रेंज की बात करें तो आप लैक्मे का लूज़ पाउडर रख सकते हैं, जो कि काफ़ी अफोर्डेबल और काफ़ी अच्छा परफॉर्मिंग पाउडर है। आई शेडो पैलेट की बात करें तो बहुत ज़रूरी है कि आपके पास एक न्यूड कलर का आई शेडो पैलेट हो, जिसमें सारे बेसिक न्यूड कलर्स हो, बिकॉज न्यूड शेड्स आपके आई मेकअप को बहुत ही सिंपल और क्लासी और नेचुरल लुक देता है, जो कि बहुत ज़रूरी है कि शादी के बाद जब आप तैयार हों आपके छोटे मोटे इवेंट्स के लिए, घर के इवेंट्स के लिए कोई मिलने आता है, तो ये आपको नेचुरल सा लुक देगा। यहाँ पे मैं आपको कुछ ऑप्शंस दिखा रही हूँ। ये जो आपको दिख रहा है ये एक ब्लश पैलेट है, जिसमें ब्लश कलर्स भी हैं, नेचुरल कलर्स भी हैं, जिनको आप आई शेडो में भी यूज़ कर सकते हैं। और पैलेट है ये, अगर थोड़ा आपको एक्स्ट्रा नाइट मेकअप करना है तो उसके लिए एक ऑप्शन अच्छा है, आप रख सकते हैं। ज़रूरी नहीं है, ये एक ऑप्शन है जो मैं आपको दिखा रही हूँ। एंड ऑल्सो अगर आप थोड़े एक्सपेरिमेंटल हैं अपने आई मेकअप को लेकर, आप इंटरेस्टेड हैं मेकअप में, तो आप कुछ इस तरीके का आई पैलेट भी ले सकते हैं। निक्स का है और ये काफ़ी बोल्ड कलर्स हैं, और ये उन लोग के लिए जो ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं अपने आई मेकअप के साथ। मैंने आपको ये ओपन करके भी दिखा दिया कि कलर्स बहुत ही वाइब्रेंट हैं और काफ़ी पिगमेंटेड हैं ये कलर्स। तो मैंने आपको कुछ ऑप्शंस दिखाए हैं आई पैलेट के, जो आप जिनमें से आप कोई भी आपके पसंद का ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं आपको हर टाइप के लेने हैं। नेक्स्ट आप रख सकते हैं आपके किट में एक आईब्रो पेंसिल, और ये आईब्रो पेंसिल का कलर है डार्क ब्राउन। सो कुछ इस टाइप की आईब्रो पेंसिल आप रख सकते हैं, जिसमें एक साइड आपको स्पूली मिलेगा जिससे आप आईब्रोज़ को ब्रश कर सकते हैं, और एक साइड आपको आपका कलर मिलेगा जिससे आप फिल कर सकते हैं आपकी आईब्रोज़ को। और यहाँ पे मैंने कुछ अपने मसाराज, काजल और आईलाइनर्स रखे हैं, और सके सब लैक्मे ब्रांड के हैं, बिकॉज ये बहुत ही अफोर्डेबल और बहुत ही अच्छे परफॉर्मिंग ब्रांड है फॉर दी स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे जो आईलाइनर लिया है वो एक ब्लैक कलर में लिया है और एक गोल्डन कलर में लिया है। आईलाइनर का नाम है लैक्मे एब्सोल्यूट शाइन, और मस्कारा और काजल का नाम है लैक्मे आइकॉनिक। मूविंग ऑन टू लिपस्टिक्स, जो दो कलर आपके पास ज़रूर होने चाहिए लिपस्टिक्स में, वो है एक रेड और दूसरा है कोई भी न्यूड कलर। सो न्यूड कलर में मैंने यहाँ पे रखे हैं एक पिंक कलर का न्यूड कलर और एक स्किन कलर का न्यूड कलर। ये आपके ऊपर है, आप कौन सा रखना चाहते हैं, दोनों रखना चाहते हैं तो दोनों रख सकते हैं। ऑल्सो मैंने यहाँ पे मैट लिपस्टिक्स भी रखी हैं और लिक्विड लिपस्टिक्स भी रखी हैं। दोनों टाइप की लिपस्टिक्स मैं आपको दिखा रही हूँ, ये आपके ऊपर है आप किस टाइप की लिपस्टिक ज़्यादा वेयर करना चाहते हैं।
और ये ऑप्शंस मैंने इसलिए आपको दिखा दिए हैं ताकि आप चूज़ कर सकें। यहाँ पे मैंने लैक्मे की लिक्विड लिपस्टिक रखी है, मैक की मैट लिपस्टिक रखी है, और जो रेड लिपस्टिक है वो मेबलिन में है। मैं यहाँ पे आपको दो ऑप्शंस दिखा रही हूँ हाइलाइटर के, एक गोल्डन में और एक सिल्वर में। गोल्डन इज़ गुड फॉर नाइट मेकअप एंड सिल्वर इज़ गुड फॉर योर डे टाइम मेकअप। मार्केट में मेबलिन ब्रांड के बहुत ही अफोर्डेबल और बहुत ही अच्छे हाइलाइटर्स आते हैं जो आप ट्राई कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको हाइलाइटर्स खोल के दिखा रही हूँ, ये बहुत ही ज़्यादा पिगमेंटेड है एंड द बेस्ट पार्ट ऑफ हाइलाइटर इज़ कि आपके फेस पे इतनी अच्छी शाइन लाता है, नेचुरल शाइन लाता है, आपका फेस एकदम ग्लो करने लगता है। सो आप एक हाइलाइटर ज़रूर रखिए आपके मेकअप किट में। आपके ब्राइडल मेकअप किट में आपके पास छोटा सा मिरर ना हो तो आपका किट इनकम्प्लीट है। सो आप कुछ इस टाइप का एक छोटा सा मिरर रख सकते हैं, और अगर आपके पास कोई ऐसा कॉम्पैक्ट है जिसमें ऑलरेडी मिरर है तो आप ये स्किप कर सकते हैं, लेकिन कुछ इस टाइप का हैंडी सा मिरर आपके पास होगा तो बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट बिंदी, बिंदी तो बहुत ही ज़रूरी है आपके ब्राइडल मेकअप में बिकॉज़ ये बहुत ज़्यादा यूज्ड चीज़ है आपके ब्राइडल मेकअप किट में। अगर आपका फोरहेड बड़ा है तो आप बड़ी टाइप की बिंदी लगा सकते हैं, अगर आपका फोरहेड छोटा है तो ऐसी कुछ छोटी बिंदियाँ भी रख सकते हैं, और दोनों टाइप की बिंदियाँ भी रख सकते हैं एज़ पर द ओकेजन। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, सिंदूर, लिक्विड सिंदूर भी रख सकते हैं, पाउडर सिंदूर भी रख सकते हैं, डू नॉट फॉरगेट दिस, ऑफ कोर्स यू कैन नॉट। मैंने यहाँ पे अपना एक फेवरेट नेल पेंट रख लिया है एंड वेरी इंपॉर्टेंट फेशियल वाइप्स रख लिए हैं जिससे मैं अपना मेकअप रिमूव करूँगी। ये बिल्कुल भी ना भूलें मेकअप करने के बाद अपना स्किन केयर रूटीन फॉलो करने के लिए नाइट टाइम में, ये बहुत ज़रूरी है कि आपके पास आपका फेशियल वाइप्स हो। एंड ऑल्सो यहाँ पे मैंने एक साड़ी पिन रख लिया है बहुत ब्यूटीफुल सा, और कुछ चूड़ियाँ रख ली हैं अपने ब्राइडल किट में, और एक रिंग रख ली है मैंने। एंड इन सब के अलावा अगर आपके दिमाग में कुछ है जो आप रखना चाहते हैं, आप बिल्कुल फ्री हैं रखने के लिए, आपके यहाँ कुछ चीज़ फॉलो होती है जो आपको रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, आप वो सब भी रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल आलता बहुत जगहों पे लगाया जाता है, वो भी ऐड कर सकते हैं एज़ पर योर ओन रिक्वायरमेंट्स। सो प्लीज़ बताइएगा आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा, और मैं नेक्स्ट वीडियो में आप क्या देखना चाहते हैं प्लीज़ लेट मी नो। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड subscribe to my channel for new videos. Bye-bye.